गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज एक नया ब्लॉग, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्कैन है मेरा, जो फिफ्थ मंथ में होता है, बिटवीन 18 to 20 वीक्स में। एनामली स्कैन बोलते हैं उसको। बेसिकली उसमें अल्ट्रासाउंड है ये, तो उसमें जो बेबी का ग्रोथ है वो सब ठीक है कि नहीं, सब ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं कि नहीं, सो वो सब बेसिकली चेक होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट बैंगलोर में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्टर मानते हैं और करने के लिए सलाह देते हैं। सो उसके लिए जा रहे हैं। नर्वस भी है और देखते हैं क्या होता है, होपफुली सब ठीक निकले। और उसके बाद फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, तो इसीलिए अभी हम लोग निकले हैं। 11:40 है, 12 बजे की मेरे को अपॉइंटमेंट है, तो 12 बजे पहुंचना है। और बैंगलोर में इतनी बारिश पिछले 3-4 दिन से बहुत ही बारिश हो रही थी, आपने न्यूज़ में देखा होगा, पूरा हर जगह फ्लड फ्लड फ्लड। लेकिन थैंकफुली हम जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में नहीं है पानी, वाटर क्लॉगिंग का इशू नहीं है, सो वी आर सेफ। तो अभी हम लोग व्हाइटफील्ड एरिया में हैं, जा रहे हैं, सो अपोलो क्रेडल व्हाइटफील्ड में। सो जा रहे हैं, फिर जल्दी से स्कैन हो जाते हैं और फिर बताती हूँ कि क्या रिजल्ट है। So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. पहुंच गया है, वेट करने के लिए बोला है, वेट कर रहे हैं। तो ये शायद टाइम लगता है, अराउंड 30 to 45 मिनट्स लगता है स्कैन के लिए। सो 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं, वेट कर रहे हैं बुलाने के लिए। तो आधार का फोटोकॉपी और प्रिस्क्रिप्शन का फोटोकॉपी देना पड़ता है एक्स्ट्रा। 75,000 का पैकेज वो करता है, एडिशनल जो है वो अलग से जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ है? क्या हुआ? हाथ सब कुछ देख लिया, लेकिन बेबी जो है फ्रंट में ऐसे करके सो रहा है, मुंह नीचे करके है। हाँ, तो स्पाइन और किडनी नहीं देख पा रहे, तो बोले 1 घंटे बाद खाना खा के आओ। और डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो उस वक्त वेट करना पड़ेगा ना, उसको हिलाया मुंह ही नहीं रहा। खाना खा के आने बोला है 1 घंटे में। चलो डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर को क्या बोला, बता देते हैं अपॉइंटमेंट पर। लेट्स सी, जा रही हूँ मैकडी, कुछ खा लेती हूँ, बर्गर और आइसक्रीम, शायद उससे बेबी मूव हो जाए। बड़ी दिक्कत है ये, डॉक्टर ने बोला ना तुम्हें कुछ खाने को, कुछ होगा लॉजिक। That's it. Having it, having it. लिया ना तुम्हारे लिए। सेवर, अच्छा 2 चिकन, कौन सा है नॉर्मल? एक उसने मील कर दिया, बाकी दो। और पीने के लिए पानी बॉटल, मीठा एक ही चाहिए था। बस वो एक फोटो के लिए बोल रहे, वो सब्सक्राइबर जो है। तो हमको हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, कृष्णा जी और उनके वाइफ और बेटे। तो इन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, टाटा पंच, तो फर्स्ट कार है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। तो बहुत अच्छा लगा मिलके।
इतना टाइम लग गया? हाँ, उन लोगों को टाइम लग गया। सो खा लिया, अब जाते हैं फिर से देखते हैं घूमा कि नहीं घूमा बेबी, हिला कि नहीं हिला, हिला कि नहीं। मैं थोड़ा सा हिल भी रही हूँ कि घूम जाए। बढ़ गया 6 किलो हैं। सो लुटन और टिटनस का सो फाइनली स्कैन डन, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी डन। सो फाइनली बेबी थोड़ा सा साइड वेज हो गया आइसक्रीम खाने के बाद, और उसके बाद स्पाइन और किडनी सब चेक कर लिया, ऑर्गन सब फॉर्म हो गए हैं। सो रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट लुक्स नॉर्मल, और फिर लेकिन शॉर्ट सर्विक्स डिटेक्ट हुआ है, या अर्ली प्रेगनेंसी में भी डिटेक्ट हुआ था शॉर्ट सर्विक्स, तो अभी फिर से डिटेक्ट हुआ है 2.5। सो सर्विक्स इज लाइक द ओपनिंग ऑफ द यूटरस, तो वो नॉर्मल केसेस में 3 to 4 रहता है, वो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मेरा 2.5 है। सो दैट्स वाई मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे को वो जो प्रोजेस्ट्रन इंजेक्शन्स लगे थे, प्रोल्यूटन और फर्टिजन, इस बार फिर से स्टार्ट कर दिया है। बोले कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 32 वीक्स एवरी वीक वो प्रोल्यूटन इंजेक्शन लेना है, फिर डोफास्टिन टैबलेट भी लेना है ताकि वो क्लोज रहे। और बोला कि अगर फनेलिंग अगर होता है थोड़ा सा, अगर खुलने लगता है तब हम लोग वो स्टिच करते हैं, या फिर वो थोड़ा सा मतलब जो ऑपरेशन है वो कराने का डिसीजन लेते हैं। तो अभी बोले कि इंजेक्शन ले लो, एटलीस्ट 32 वीक्स तक हम मेरे को लेना है, और फिर अभी 1 मंथ के बाद बुलाया है। सो ये 5th मंथ का स्कैन कंप्लीटेड, ऑल लुक्स गुड, जस्ट दैट शॉर्ट सर्विक्स, उसके लिए इंजेक्शन, पेनफुल इंजेक्शन है प्रोल्यूटिन का, तो एवरी वीक मुझे अभी हॉस्पिटल में जाके लगाना पड़ेगा क्योंकि ये घर में नहीं दे सकता, इट्स ऑयल बेस्ड इंजेक्शन। सो दैट्स इट, सो अभी घर जा रहे हैं वापस, टाइम हो रहा है 3 बज गया है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे को बेबी बून में गोवा जाना है, बोला कि नो गोवा, आप हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, और थोड़ा बहुत वॉकिंग, तो इसीलिए फिर से अभी बंदी बहुत उछल रही थी है? नहीं, एकदम पूरा मतलब माइंड इज लाइक मतलब बिल्कुल उधराई हुई थी कि नहीं मुझे बीआर हिल्स जाना है, गोवा जाना है, कहीं बेबी मून मनाने, देखो आलिया भट्ट जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं, है ना, वो ये कर रही तो मैं क्यों ना करूं, वो फ्लाइट में जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊं। डॉक्टर ने दे दिया था कि कहीं चुपचाप बैठे रहो, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, बस। बच गया, रोक लिया मैंने, बस हल्का सा एक दाग पड़ा, मतलब जो उसका शायद पिछवाड़े का काला काला होता है ना, तो प्लास्टिक पे वो आ गया कलर, कोई नहीं, वो रबिंग मटेरियल से चला जाएगा। ब्रेक मार दिया था मैं, बस पीछे वाले को मैं एकदम से अगर मारता तो पीछे लड़ जाता, तो स्लो 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 मार रहा था।
मम्मी कुछ फंक्शन करेगी फ्राइडे को, आज तो वेडनेसडे है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ दिया लेने के लिए आई है। पास्ता लोट हो गया तुम्हारा लक्ष्मी पूजा ना। कैसे भैया ये सब 30 रुपए और 5 पिक्सी जो अकेले होंगे। तो घर पहुंच गए और घर पहुंच के ही फर्स्ट थिंग फर्स्ट चाय। चाय के बिना अधूरी लगती है शाम का और सुबह का जो चाय होता है मस्ट मेरे लिए। मनीष को कभी कभी कॉफ़ी भी चल जाता है, लेकिन हाँ हम दोनों को ही चाय सुबह और शाम की 2 कप दिन में हम लोग पीते ही पीते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे। तो अभी चाय पी रहे हैं। सो स्कैन तो हो गया एंड सब नॉर्मली है, बस वही शॉर्ट सर्विक्स है तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है मेरे को। और ये जो स्कैन है एनोमली स्कैन, ये आपका 18 to 20 weeks इसीलिए करते हैं क्योंकि जो इंडिया का अबॉर्शन लॉज है वो 20 weeks के बाद अलाउ नहीं करते हैं, तो उसी लिए 20 weeks से पहले करते हैं और देखते हैं कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सब ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं कि नहीं है, हाथ पैर सब कुछ देखते हैं। और अगर कुछ भी मतलब आप उनको लगता है कि डिटेक्ट मतलब अगर उनको कुछ भी एनोमली लगता है तो फर्दर टेस्ट होते हैं जिनमें मतलब रिजल्ट्स कंफर्म अच्छे से होते हैं। तो उस हिसाब से पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो उसी लिए वो 20 weeks के पहले ही करते हैं। सो अभी इंजेक्शन लगने हैं अभी हर वीक मेरे को शॉर्ट सर्विक्स, क्योंकि डिटेक्ट हुआ ही है, पता ही था हम लोग को फर्स्ट अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन से ही। तो कोई नहीं, लेट्स सी, होप द जर्नी कंटिन्यूज। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखने वाले हैं हमारा मतलब एसएमईज ट्रेडिशन में 5th month जब शुरू होता है तब मतलब मैटरनल साइड्स मम्मी के साइड से पंचामृत खिलाते हैं। पंचामृत आप लोग जानते होंगे कि 5 दूध दही और कुछ कुछ मिला के 5 चीज़ें वो प्रेगनेंट लेडी को खिलाते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द बेबी और फिर प्रेगनेंसी अच्छे से जाए। तो 5 मंथ में वो होता है। तो अभी मम्मी वही सोच रही है कि सिंस अभी डॉक्टर को दिखा दिया सब ठीक है तो मेरा अभी 2nd week चल रहा है शायद इन 5th month, तो इस फ्राइडे को कराएंगे सुबह, तो वो ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट में। तो शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं मॉल में, मुझे थोड़ा कपड़ा लेना है और कुछ 1-2 घर का सामान। ऐसे ही टहल टहल के धीरे धीरे जा रहे हैं, लेट्स सी क्या मिलता है वहाँ पे। मैक्स है और ट्रेंड्स है तो वहाँ पे कुछ ले लेंगे ड्रेसेस। ओनम फेस्टिवल है तो सजाया है, आई थिंक डांस वेंस भी होने को था। কত যাবা ম্যাক্সত যাবা নে ফ্রেন্ডসত যাবা? ज्यादा ही भीड़ है, बाप रे बाप। थोड़ा मोड़ा शॉपिंग हो गया, अब जा रहे हैं, मनीष ने ऑर्डर दिया है KFC लाने के लिए तो KFC ले देते हैं। शॉपिंग डन, KFC खा लिया और मनीष के लिए पैक कर लिया बकेट, गोइंग होम।
सो वापस आ गई मैं मॉल से. इट वॉज अ टायरिंग डे और खूब सारा सामान खरीदा मैंने और आपने देखा ओनम फेस्टिवल भी वहाँ पे मना रहे थे तो बहुत अच्छा लगा. 10 तारीख को भी है शायद नेक्स्ट वीक में. सो ओनम फेस्टिवल का वहाँ पे डांस वेंस कर रहे थे, ढोलक बज रही थी तो वो भी बहुत अच्छा लगा. सो इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी, लेकिन अच्छा रहा. मैंने छुट्टी ले लिया था ऑफिस से और मनीष काम कर रहे थे बैठ के, तो अभी खा लिया. KFC लेके आए थे और हमने फिर दाल चावल और ये सब खाया. तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो देख के कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर अगर अभी तक नहीं किए हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय.